सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को फेस स्मूथ करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई हमारा बिफोर फोटो देख लीजिए एंड आफ्टर फोटो देख लीजिए। मेरे भाई ये वीडियो ओनली फेस स्मूथ के रिलेटेड है, तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई कुछ इस तरीके का फेस का कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप लोग एक बार बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, आप सभी को क्या करना है मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप वैसे फॉलो कीजिएगा। सो गाइस, तो यहाँ पर देखिए एक हमारा फ़ोटो है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब दाग धब्बा है फेस में, और परफेक्ट तरीके से ना मेरे भाई वाइट नहीं है फेस हमारा, देख लीजिए। इसी फ़ोटो को ना मेरे भाई वाइट करना सिखाऊंगा एंड स्मूथ करना सिखाऊंगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। आपका भी अगर ऐसे दाग धब्बा बहुत सारा है तो आप भी अपने फेस को बहुत ही आसान स्टेप में स्मूथ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है आपको, इसी फ़ोटो को लेकर ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई यहाँ पर लाइब्रेरी में आना है। एंड लाइब्रेरी में आने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आपको सेटिंग में क्लिक करना है, ये वाला ब्रश सिलेक्ट करके सेटिंग में क्लिक करना है। फॉलो को 15 रखना है, स्टेंज को 10% रखना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई कट करना है, उसके बाद अपने फेस को जूम करना है। एंड जूम करने के बाद मेरे भाई आराम आराम से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वैसे सेम टू सेम हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो मेरे भाई आप भी कुछ इसी तरीके से ना अपने फेस को स्मूथ कर पाएंगे, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ना मैं अपने फेस को स्मूथ कर पा रहा हूँ। अगर मेरे भाई परफेक्ट तरीके से इस ब्रश से स्मूथ नहीं होता है तो आप यहाँ पर एक और ब्रश जो है यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ये वाला ब्रश मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है मेरे भाई फेस स्मूथ के लिए, क्योंकि हर एक फ़ोटो में ना मैं इसी ब्रश का यूज करके अपने फेस को स्मूथ करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई इसका सेटिंग आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसका फॉलो 4 है और स्ट्रेंज 14% है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेकेंड नंबर जो बात होगा मेरे भाई, यहाँ पर एसमूज रहना चाहिए। जब तक मेरे भाई आपका यहाँ पर एसमूज नहीं रहेगा, आपका फेस स्मूथ नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ यार आप लोग ये सेटिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से इसको फोकस करके रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कट करना है मेरे भाई, उसके बाद अपने फेस को ऐसे जूम करना है और अपने ब्रश को अपने हिसाब से करके और अच्छे तरीके से ना अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। अब मेरे भाई यहाँ पर हमारा फेस है, तो यहाँ पर कैसे ब्रश को चलाना है, तो हमारा ऐसे बना है देख लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर मेरे भाई साइज़ को थोड़ा छोटा करके और ऐसे ऐसे करके अप्लाई करना होगा आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई हमारा कितने अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मेरा फेस बना है वैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया है। अब बारी आती है यहाँ पर, तो जैसे बना है मेरे भाई उसको ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे हम, जहाँ जैसे बना है उसी साइड में खींचेंगे तब जाके होगा। और मेरे भाई ध्यान रखिएगा, बीएड वगैरह होगा ऐसा कीजिएगा कि बीएड वगैरह पे आपका ब्रश ना आए, नहीं तो ब्लैक ब्लैक सा आ जाएगा प्रॉब्लम में, 100% बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि बीएड पे ना आए, फालतू पार्ट पे ना चले, तब देखिए हमारा फेस कितने अच्छे तरीके से भौकाल तरीके से एकदम स्मूथ हो रहा है। अब मेरे भाई बारी आती है कि यहाँ पर कैसे स्मूथ करें, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर अगर हम ऐसे स्मूथ करेंगे तो बहुत ही मतलब बेकार हो जाएगा, मतलब चेभरा जाएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई इसका साइज कम करेंगे, उसके बाद हम स्मूथ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ साइज कम करने के बाद देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है यहाँ पर भी, और जहाँ जैसे मैं चला रहा हूँ ना मेरे भाई वैसे सेम टू सेम आप भी चलाइएगा,
तभी एकदम भौंकाल तरीके से ना आप एडिट कर पाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ओके। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल लेते हैं। और इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अच्छे तरीके से हमारा फेस नहीं बना है। और यहाँ पर भी जितना अच्छे से आप कीजिएगा ना मेरे भाई, आराम आराम से कीजिएगा, उतना ही बेस्ट रहेगा। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैं जहाँ पर जैसे अप्लाई कर रहा हूँ ना, वहाँ पर भी आप लोग वैसे ही सेम टू सेम अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई मैं जो बता रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और बेशक मेरे भाई वीडियो लंबा लगे, बोरिंग लगे, ये हमको नहीं पता है मेरे भाई, लेकिन मैं जो बताता हूँ ना, रियलिटी बताता हूँ मेरे भाई। और रियल तरीके से आप सबको ना फेस स्मूथ करना सिखाता हूँ, तो उसमें आपको जो लगे वो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो काम है मेरे भाई, मैं रियल तरीके से आप सबको एडिट करना सिखाता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे यूट्यूबर लोग होते हैं जो आपको चूतिया बनाते हैं और अच्छे तरीके से नहीं एडिट करते हैं मेरे भाई, मेरे को पता है अच्छे तरीके से वो लोग नहीं एडिटिंग सिखाते आप सबको। कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा मेरे भाई, मैं आप सबको ना 110% गारंटी के साथ ना एडिटिंग सिखा दूँगा। एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए मेरे भाई, अगर नहीं सीख पाए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 1 महीने के अंदर में एडिटिंग सीख पाएंगे मेरे भाई मेरे चैनल के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, समथिंग तो हमारा फेस स्मूथ हो ही चुका है, बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो इसको भी हम अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी स्मूथ कर लेते हैं। जहाँ जहाँ मेरे भाई आप सबको स्मूथ करना है, वहाँ वहाँ आप स्मूथ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, कम्प्लीटली हमारा ना स्मूथ हो चुका है, ठीक है ना, कम्प्लीट हमारा स्मूथ हो चुका है मेरे भाई। तो अब बारी आती है फेस को वाइट कैसे करें। तो फेस को वाइट करने के लिए मेरे भाई डायरेक्ट यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, कहाँ पर, तो मेरे भाई डायरेक्ट यहाँ से ना आप शेयर कर दीजिएगा स्नैपसीड एप्लीकेशन में। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप सबको वाइट करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड ले रहा है, बहुत ही आसान स्टेप है मेरे भाई वाइट करना, ठीक है ना। फेस को स्मूथ करना तो आप सबको मैं सिखा दिया मेरे भाई, देख लीजिए अब वाइट कैसे करें। तो सबसे पहले टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ सिलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ पर ब्लैक होगा मेरे भाई वहाँ पर रख के इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, वाइट हो जाएगा। जहाँ पर ब्लैक लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर रख के ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, वाइट हो जाएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।